ये देखिए क्या जबरदस्त बनाया गया, इतना ये अच्छी से आवाज कर रहा है। इसको आप एक बार खा लो गाइस, देखिए ये देखिए। हेलो दोस्तों, हम बना रहे हैं रोस्टेड चिकन लॉलीपॉप। जो बनेगा, विनेगर डालेंगे हाफ टी स्पून। विनेगर डालने के बाद गाइस हम इसमें भी नमक डालेंगे हाफ टी स्पून। गाइस नमक विनेगर डालने के बाद हम इसमें आधा नींबू डालेंगे निचोड़ेंगे गाइस, जिससे इसके अंदर जो इसको हम इसको मिक्स कर लेते हैं गाइस अच्छी तरीके से। गाइस हम इसमें अभी कट लगा, देखिए इस तरह से कट लगता है गाइस। कट लगाया गाइस, अब इसको मिलाने के बाद इसमें हम 1 लीटर चलिए गाइस, अब इसको पानी डाल दिए हम। अब इसको फ्रीजर में रख देंगे गाइस 30 मिनट के लिए। इसमें मॉइस्चराइजर हो गए गाइस और निकल जाएंगे इसमें से पूरा, और ये एकदम चिपचिपापन जो है इसमें देखिए गाइस साफ दिख रहा, ये ख़त्म हो जाएंगे ठीक है ना। फिर हमने 30 सेकंड के बाद निकाल लिया गाइस इसको अच्छे से वॉश करके। अब इसमें मसाला डालूंगा गाइस, देखिए जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ से हाफ टी स्पून, और मिर्ची पाउडर हाफ टी स्पून, और उसके बाद मैं डाल रहा हूँ गाइस एक कश्मीरी मेथी, लाल मिर्च जिसके लाल करने के लिए, या और हरा मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करने वाला इसमें लाल मिर्च का ठीक है, ये कलर मिर्च है ठीक है गाइस। इसको अच्छे से फेटेंगे गाइस, उसके बाद दही डालने के लिए भूल गया, दही डाल रहा हूँ ठीक है, दही में डाल दिया। इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूंगा गाइस हल्का। चलिए गाइस इसको मैरिनेट करने के लिए स्टार्ट करें अच्छे तरीके से हर जगह पूरा गाइस। इसमें पूरा अच्छे से मसाला मिला रहे हैं गाइस दोस्तों। गाइस मैं एक चीज़ भूल गया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना गाइस कंपलसरी गाइस, इसको जितना ज़्यादा 15 मिनट ज़्यादा नहीं डालना है गाइस, बस लिमिट के हिसाब से। मैदा नहीं है मेरा पास, मैं तरीका सब मैं इसमें डालूंगा गाइस। तो अच्छी तरीके से मैं मिलाऊंगा गाइस। गाइस तेल हमारा पूरा गर्म हो चुका है, अब धीरे धीरे इसको डालूंगा गाइस फ्रीजर में। कटने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ ये कांटा वाला चम्मच गाइस, जिससे मैगी और चाउमीन गाइस ये डीप फ्राई हो गया गाइस। अगर हम इसको निकालेंगे गाइस उसके बाद ठंडा करके एकदम तेल को हाई फ्लेम में गर्म करना है गाइस, उसके बाद फिर इसको डालना है गाइस ठीक है। चलिए अब देखिए जब इसको हम निकाल लिए, अब इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ा पंखे के हवा में रख दे रहे, उसके बाद तेल को गर्म होने देना गाइस। चलो गाइस तेल गर्म हो चुका है, और ये जो डीप फ्राई किया हुआ था चिकन मैं इसको अब डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको डीप फ्राई करना है उससे ज़्यादा नहीं। तो एक नंबर रिजल्ट मिलने वाला है, कोई 5-स्टार होटल में नहीं जाना पड़ेगा आपको कोई। चलिए गाइस 1 मिनट हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं गाइस। देखिए डीप फ्राई हो गया, पूरा पूरा फ्राई हो गया गाइस, डीप फ्राई में निकाल के रखने वाला हो गाइस। ये देखिए क्या जबरदस्त बनाया गाइस, इसी बनाना है गाइस, इतना सॉफ्ट इतना जूसी है ना गाइस क्या बता। इसको आप एक बार खा लो ना गाइस, देखिए ये देखिए गाइस बहुत गर्म है गाइस, इतना गर्म खाने का नहीं है, अंदर तक लग पूरा दम जबरदस्त बनाया गाइस। मैं पूछा ये है लालीपॉप गाइस, एक बार खाओगे तो बाहर के भूल जाओगे होटल, एक बार बना के देखिए गाइस अपने घर में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रईस किचन को, जो साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको दबा ले, ऑल पे कर दे और सब्सक्राइब बटन को दबा ले गाइस। टेक केयर, बाय बाय।